दोस्तों आपका सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, यानी कि आज का 7 फरवरी। तो देख लेते हैं दोस्तों इंडियन नेवी एमआर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं आज सेकंड शिफ्ट में। भारत व चीन के मध्य कौन सी रेखा है दोस्तों, ये पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में आप सभी के एग्जाम में। तो नोट कर लें दोस्तों, भारत व चीन के मध्य कौन सी रेखा है, मेकमोन रेखा है दोस्तों, अच्छी तरह याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन पूछा गया, आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है, तो अच्छी तरह याद कर लेना इस प्रश्न को। आगे देखते हैं, सबसे छोटी बर्ड पूछी गई है दोस्तों, सबसे छोटी बर्ड कौन सी है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राष्ट्रीय पक्षी हुआ दोस्तों, एंड दोस्तों पेड़ हुआ, इनसे एक रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो उनको याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। एक नंबर दोस्तों इस टाइप का आता है, तो याद कर लेना इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। आगे देखते हैं, गांधी जी ने अपना पहला भाषण कहाँ दिया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी जी ने अपना पहला भाषण कहाँ दिया था क्वेश्चन आया है दोस्तों, गांधी जी से एक क्वेश्चन आ रहा है हर शिफ्ट में मिल रहा, तो एम आर में अच्छी तरह याद कर लेना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद कर लेना। आगे देखते हैं हम, गांधी जी को किसने राष्ट्रपिता कहा फर्स्ट टाइम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। गांधी जी को पहली बार दोस्तों किसने राष्ट्रपिता कहकर बुलाया था, पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इजी है दोस्तों, एक नंबर पूछा गया। इस टाइप से क्वेश्चन याद कर लेना, आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। तो आगे देखते हैं हम, डूरंड कप किस खेल से रिलेटेड है दोस्तों, पूछा गया यानी कि संबंधित से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है आप सभी के शिफ्ट में, तो याद कर लेना इंपॉर्टेंट है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। आगे देखते हैं हम, बर्नौली का नियम किस सिद्धांत पर वर्क करता है दोस्तों, कार्य करता है, बर्नौली का ऊर्जा संरक्षण नियम पर कार्य करता है, ध्यान से याद कर लेना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन दोस्तों, पहले ही पूछा गया था आप सभी के लिए, 5 फरवरी में पूछा गया था क्वेश्चन ये, तो ध्यान से याद कर लेना, आज ही पूछा गया है तो आ सकता है दोस्तों आने वाली शिफ्ट में, तो ध्यान से याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं आप सभी के सेकंड शिफ्ट में। आगे देखते हैं हम, सबसे छोटी बर्ड पूछी है दोस्तों, हमने आपको बता दिया एक नंबर इस टाइप का आ रहा, तो याद कर लेना। आगे देखते हैं हम, केडी वर्ड किस गेम से रिलेटेड है दोस्तों, एक प्रश्न यही पूछा गया था आप सभी के शिफ्ट में, तो अच्छी तरह याद कर लेना दोस्तों, गेम से संबंधित एक क्वेश्चन आ रहा है हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो याद कर लेना। आगे देखते हैं, बॉर्डर ऑफ चाइना और ऑफ इंडिया, ये तो आपको करा दिया दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया। आगे देखते हैं हम, फुल फॉर्म पूछा गया दोस्तों, एटीएम का फुल फॉर्म पूछा गया, परसों ही पूछा गया था एटीएम का फुल फॉर्म, तो एटीएम का याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम, संस्कृत भाषा की खोज किसने की थी दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ लिया है आप सभी के एग्जाम में, तो नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है, संस्कृत भाषा की खोज किसने की थी, जो हम आपको बता रहे हैं सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है आप सभी के लिए, इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आने वाले शिफ्टों के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तक आपने वीडियो लाइक ना करा, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, आपसे छोटी सी विनती है। आगे देखते हैं हम दोस्तों, पूछा गया है सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, सबसे ऊंचा झरना पूछा गया है, एक नंबर आया है इस टाइप का दोस्तों, इस टाइप के कर लेना दोस्तों, सबसे ऊंचा झरना पूछा गया आप सभी के सेकंड शिफ्ट में। आगे देखते हैं, मैथ एंड साइंस हार्ड थी दोस्तों, जीके तो आप सभी की बेहद इजी आ रही है आप सभी की, यानी कि आज बिल्कुल टोटल जीके बहुत इजी थी सेकंड शिफ्ट की नेवी एमआर 7 फरवरी के एग्जाम में दोस्तों, आप सभी की जीके बेहद इजी है। आगे देखते हैं हम, फुल फॉर्म पूछा गया दोस्तों, BCCI का फुल फॉर्म पूछा गया आप सभी के एग्जाम में, तो 2 नंबर फुल फॉर्म से आए हैं, तो इनको अच्छी तरह याद कर लीजिए दोस्तों। हमें जितने क्वेश्चन मिल पाए हमने आपको बता दिया है, उम्मीद करता हूँ मैं आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आप सभी के एग्जाम में आने वाले शिफ्ट में दोस्तों, ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, 2/8 शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जय हिंद। लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।